हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज की वीडियो में प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। आज के सेशन में सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एक एक क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, बीच में स्किप मत कीजिएगा। एंड फिजिकल एजुकेशन की किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। मैंने टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन डिटेल में पढ़ाया हुआ है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कराया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कराया गया है। एंड दोस्तों, मैंने बीपीएससी टीआई 2 में 79-80 वीडियोज को इंग्लिश हिंदी दोनों में सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया हुआ है। एंड दोस्तों, 2024 के बैच में यह 97वां प्रैक्टिस सेट है जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रही हूं। तो दोस्तों, डेली बेसिस से बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है, किस चिकित्सकीय विधि में बायोप्सी ला का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रास्ट बाथ में, कि जाकुजी में, कि वर्लपुल बाथ में, कि स्टीम बाथ में? तो आपको पता ही है कि जल के द्वारा चिकित्सा पद्धति को हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है, जिसमें वर्लपुल बाथ, इमरेशन बाथ, कंट्रास्ट बाथ आदि आते हैं। तो जो बायोप्सी ला का प्रयोग किया जाता है उसमें भंवर स्नान यानी कि वर्लपुल बाथ में किया जाता है। इसमें एक टब में गर्म पानी मशीनी तकनीकी के द्वारा भंवर के रूप में घूमता है, जिसमें शरीर के भाग को डुबोया जाता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उदासीन होकर शरीर के भाग को बायोप्सी टेक्निक के कारण पानी में तैरने में सहायता करता है, जैसे कि मसल स्पूल, कॉन्ट्यूजन, स्ट्रेन, टेनोसाइनोवाइटिस, टेंडिनियस, इस प्रकार की चोटों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका तापमान 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा इस उपचार को वाटर जेट मसाज के साथ भी पानी के उच्च दाब पर रखने पर उपयोग किया जाता है वर्लपुल बाथ का। नेक्स्ट दोस्तों, जल द्वारा चिकित्सा को क्या कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चंस, हाइड्रोथेरेपी। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या संतुलन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, ऊंचाई भी है, ऊंचाई जितना कम रहेगा संतुलन उतना अच्छा होगा, आधार जितना चौड़ा होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा, वर्लपुल बाथ केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, बिंदु होता है, वो भी आपका उच्च संतुलन से संबंधित है। जैसे कि हम बॉडी में कहें कि जिस भी वस्तु का जो सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट जितना नीचे रहेगा उतना ही संतुलन अच्छा होगा। जैसे कि महिलाओं का सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो है पुरुषों से नीचे होता है, तो ये संतुलन वाली बैलेंस वाली जो क्रियाएं होती हैं ज़्यादा अच्छा कर लेती हैं। ये तीनों है, ऊंचाई, आधार, वर्लपुल बाथ, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु, संतुलन से संबंधित हैं, बट आपका अनलन का आयतन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर का संतुलन कौन सा पदार्थ बनाए रखता है? तो दोस्तों, प्लूरा, ये हमारे फेफड़ा, प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है जिससे फेफड़ा घिरा रहता है उसमें प्लूरा नामक द्रव पाया जाता है, तो वहाँ पाया जाता है। सेरस जो है हमारे, जो हमारा हृदय होता है, तीन पेशियों से मिलकर बना होता है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपिकार्डियम मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, जिसमें से एपिकार्डियम के भी दो परत होते हैं पेरिकार्डियम का, जिसमें सीरस नामक द्रव भरा रहता है, ठीक। और साइनोवियल फ्लूइड जो है हमारे, जो दो हड्डियों के जॉइंट होते हैं वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसमें वो हड्डियों की ग्रीसिंग हो सके, वो घिसे ना, इसलिए प्रयोग होता है। बट एंडोलिम्फ जो होता है हमारा कान में पाया जाता है, जो बॉडी के संतुलन बनाने वाला एक प्रकार का द्रव है, ठीक है। हमारे शरीर का संतुलन कौन सा पदार्थ बनाए रखता है? एंडोलिम्फ फ्लूइड बनाए रखता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे कान का क्या कार्य है? तो दो कार्य हैं, एक सुनना, एक संतुलन बनाना, ठीक है। नेक्स्ट, उस चिकित्सा विधि को क्या कहते हैं जिसमें गर्म व ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, उस चिकित्सा विधि को कंट्रास्ट बाथ बोला जाता है। इसमें
गर्म ठंडा गर्म पानी दोनों का अलग अलग टाइप में प्रयोग करें, बारी बारी से प्रयोग किया जाता है। पहले ठंडा पानी फिर गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, उस चिकित्सा विधि का नाम बताएं जिसमें चोटग्रस्त भाग पर बर्फ का प्रयोग करके अभ्यास कराया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के चिकित्सा को क्रायोकाइनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, क्रायोकाइनेटिक्स में क्या कहते हैं, पहले हम चोटग्रस्त भाग पर थोड़ा थोड़ा बर्फ का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ठंडी चिकित्सा देंगे, उसके बाद हम अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट है, चोट लगने के पश्चात सबसे पहले बर्फ का प्रयोग क्यों किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसलिए किया जाता है क्योंकि रक्त वाहिनियों में के व्यास को कम करने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि चोट लगने के पश्चात जस्ट बाद हम बर्फ का ही प्रयोग क्यों करते हैं कि रक्त वाहिनियों का व्यास कम हो, जिससे चोट जल्दी ठीक हो, उसको फैले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से क्या हाइड्रोथेरेपी से संबंधित नहीं है। हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा। जल चिकित्सा के अंतर्गत व्हर्लपूल बॉथ, इमरेशन बॉथ, जाकुजिया बॉथ एंड यहाँ पे कोल्ड थेरेपी, कंट्रास्ट बॉथ, जाकुजिया बॉथ, तीनों जो है वो जल चिकित्सा से संबंधित है हाइड्रोथेरेपी से। बट आपका पैराफिन बॉथ नहीं है, क्योंकि पैराफिन बॉथ जो है वो मोम चिकित्सा होती है। ठीक है, पैराफिन बॉथ किसी होती है, उसको पैराफिन बॉथ को वैक्स थेरेपी या मोम थेरेपी भी कहा जाता है, मोम के द्वारा चिकित्सा। एंड नेक्स्ट है, हाइड्रोथेरेपी में थेरेपी से क्या तात्पर्य है। हाइड्रो मतलब जल, थेरेपी मतलब चिकित्सा यानी कि उपचार, यानी जल द्वारा चिकित्सा। तो थेरेपी से तात्पर्य है उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या संतुलन परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे टिप ऑफ बॉस स्टिक, लेवलोमीटर, तीनों संतुलन का परीक्षण करते हैं। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप क्वेश्चन का लेवल देख खुद ही समझ सकते हैं। तो टिप ऑफ बॉस स्टिक, लेवलोमीटर, ये तीनों संतुलन से संबंधित है। संतुलन यानी बैलेंस का परीक्षण करते हैं, बट पैडोमीटर नहीं करता। पैडोमीटर किसका किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, पैडोमीटर, पैडोग्राफ है, दोनों का प्रयोग फ्लैट फुट मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है, एक अच्छी संतुलन के लिए शरीर का केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु कहाँ होना चाहिए, बताइए, मध्य में कि नीचे कि ऊपर। तो दोस्तों, नीचे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, नीचे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु, सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट जो है जितना नीचे रहेगा उतना ही बैलेंस जो है अच्छा होगा। जैसे कि महिलाओं का जो केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु होता है, सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट, वो पुरुषों से नीचे होता है, इसलिए पुरुषों से ज्यादा अच्छा संतुलन वाली क्रियाएं महिलाएं कर सकती हैं। नेक्स्ट है, ठंडे जल से संबंधित चिकित्सा का संबंध किससे है। तो ठंडी चिकित्सा को क्रायोथेरेपी भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ठंडे जल से संबंधित चिकित्सा का संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया चिकित्सा। हाइपरथर्मिया क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जितना आपका 37 डिग्री सी होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, और हाइपोथर्मिया बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखने से समझ आ रहा है कि हाइपोथर्मिया चिकित्सा का संबंध जो है ठंडे जल से संबंधित चिकित्सा से है। नेक्स्ट है, गर्म जल का प्रयोग किस प्रकार की चोट में नहीं किया जाता। तो दोस्तों, चोटें तीन प्रकार की होती हैं, एक्यूट, पोस्ट एक्यूट एंड क्रोनिक। तुरंत जो चोट लगता है उसको एक्यूट इंजरी कहते हैं, और पोस्ट एक्यूट जो होता है पुरानी चोट वो 24 घंटे के अंदर, जो 24 घंटे के अंदर की चोट होती है वो ताजी चोटें होती हैं, एक्यूट इंजरी। और 24 से 48 घंटे के अंदर की चोटें पोस्ट
एक्यूट एंड 48 घंटे से ज्यादा की चोट हो गई है तो उसको क्रोनिक यानी कि बहुत पुरानी चोट कहते हैं। तो गर्म जल का प्रयोग किस प्रकार की चोट में नहीं किया जाता है, तो क्रोनिक एक्यूट इंजरी में, एक्यूट जो तुरंत लगी हुई ताजी चोट है, उसमें गर्म जल का प्रयोग नहीं किया जाता। चोट नेक्स्ट है, चोटग्रस्त भाग को जल में डुबोना क्या कहलाता है, तो दोस्तों उसको इमरेशन बाथ में किया जाता है, जल में डुबोया जाता है चोटग्रस्त भाग को, ठीक है। गर्म पानी की पानी चोट की प्रकृति के अनुसार चोटिल अंगों को में तत्परता लाने के लिए डुबोया जाता है, फिर हल्का हल्का चोटी अंग को हिलाया जाता है, इसको इमरेशन बाथ कहते हैं। विलय स्नान नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है, दोस्तों यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा इसका आंसर आपको सही देना है। देखिए लाडोसिस, सोएबैक, हालोबैक, यहाँ पे तीनों का एक ही, लाडोसिस को सोएबैक हालोबैक कहा जाता है, अगर कुब्जता भी बोला जाता है यानी पेट बाहर की तरफ निकल जाता है और कमर वाले भाग में वक्र बन जाता है गड्ढा, उसको लाडोसिस बोला जाता है। और यहाँ पे लाडोसिस, सोएबैक, हालोबैक तीनों सेम है, बट आपका काइफोसिस अलग है। काइफोसिस क्या है, अलग है, क्योंकि काइफोसिस पीठ का कुबड़ापन है, जबकि बाकी सब क्या है, लाडोसिस, सोएबैक, हालोबैक, ये अग्र कुब्जता का उपनाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है, पेस प्लेनस, फ्लैट फुट को बोला जाता है एंड फ्लैट फुट, एंड पेस कैवस, क्ले फुट को बोला जाता है, जो पैरों के जो तलवे होते हैं उसमें ज्यादा कर्व यानी गड्ढा बन जाता है गाय के खुर की तरह, और फ्लैट फुट क्या होता है कि कोई वक्र नहीं बनता, समतल हो जाता है, इसलिए फ्लैट फुट बोला जाता है। यानी कि तीनों के तीनों, पेस प्लेनस, फ्लैट फुट एंड पेस कैवस, ये हमारे पैर के तलवे से संबंधित है, जबकि राउंड बैग जो है आपका पीठ के कुबड़ेपन से यानी काइफोसिस को बोला जाता है, अब बाकी पैर की विकृति है इसलिए राउंड बैग अलग है। नेक्स्ट है, लाडोसिस में कौन सी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, लाडोसिस जो हमारा पेट बाहर की तरफ अब पीछे कमर गड्ढा हो जाता है, सोएबैक, बैक पोस्चर डिफेक्ट आदि नामों से जाना जाता है, तो लाडोसिस में दोस्तों ज्यादातर एब्डोमिन यानी पेट की मसल्स जो है वो कमजोर हो जाती है, एब्डोमिन मसल्स कमजोर हो जाती है पेट की मसल्स, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइफोसिस नामक विकृति में किस रोग के होने की संभावना होती है, काइफोसिस यानी कुबड़ापन जिसको हम हंचबैक एंड गोल कमर एंड राउंड बैक आदि नामों से जानते हैं, तो इसमें जो है किस विकृति, किस रोग के होने की संभावना अधिक होती है, दोस्तों यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है एंड अस्थमा भी होता है इस विकृति से, लेकिन ज्यादा संभावना आपका अस्थमा होता है, यहाँ पे अस्थमा यानी दमा आपका राइट आंसर होगा, यानी फेफड़े से संबंधित ज्यादा रोग हो जाता है। नेक्स्ट, किस विकृति को अंडर प्रोनेटर भी कहते हैं, अंडर प्रोनेटर यानी अंदर की तरफ धसा हुआ, तो किसको कहेंगे, जैसे कि फ्लैट फुट हो गया तो समतल होता है, कोई कर्व नहीं होता, बट अंदर की तरफ धसा है यानी कि ज्यादा गड्ढा है, यानी क्ले फुट को कहते हैं, ठीक है, क्ले फुट यानी पेस कैवस, ठीक, फ्लैट फुट यानी पेस प्लेनस, याद रखिएगा, तो क्ले फुट को अंडर प्रोनेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपर बैग की विकृति है, अपर बैग यानी ऊपर के पीछे, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं दोस्तों अपर बैग की कौन सा विकृति है, काइफोसिस, यानी जो अपर बैग यानी पीछे वाले वक्ष वाले भाग में पीछे की तरफ निकल जाता है कुबड़ा, उसको काइफोसिस बोलते हैं। लोअर बैग में आपका लार्डोसिस हो जाएगा, अपर बैग में काइफोसिस। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला के सी और एस के आकार की कौन सी विकृति होती है, तो दोस्तों आप क्वेश्चन सुनते ही आंसर दे दिए होंगे, तो सी और एस के आकार की कौन सी विकृति होती है, तो स्कोलियोसिस, कौन सी होती है, स्कोलियोसिस,
जिसको मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता यानी लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं। इसमें स्पाइन यानी मेरुदंड एक ओर झुकना होता है, जैसे कि शोल्डर एक तरफ व हिप दूसरी तरफ झुक जाते हैं। और दो प्रकार के होते हैं, सी और एस। सी सिंगल स्कोलियोसिस जो बाई ओर वक्र या गोलाई में बढ़ जाता है, एस यानी डबल स्कोलियोसिस दोनों ओर वक्र हो जाता है, ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए स्कोलियोसिस को शरीर को विपरीत दिशा में झुका यानी साइड बेंडिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। और इसमें तैराकी बेस्ट होता है, बेस्ट स्ट्रोक को भी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या फ्लैट फूट से संबंधित नहीं है। दोस्तों पैडोमीटर से फ्लैट फूट को मापा जाता है, ये संबंधित है। और फ्लैट फूट में दो प्रकार के आर्च बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, एंड ट्रांसवर्स यानी कि लेटिट्यूडनल। जो लॉन्गिट्यूडनल होता है एड़ी से पैर के अंगूठे तक बनता है। और जो ट्रांसवर्स यानी कि टेरी लेटिट्यूडनल होता है वो पैर की छोटी उंगली से अंगूठे तक बनता है। यानी ये लॉन्गिट्यूडनल लेटिट्यूडनल एंड पैडोमीटर तीनों आपको फ्लैट फूट से संबंधित है, बट स्पाइनोग्राफ नहीं है। क्योंकि स्पाइनोग्राफ क्या करता है, ये स्कोलियोमीटर को मापता है। सॉरी दोस्तों, स्कोलियोमीटर एंड स्पाइनोग्राफ ये दोनों के दोनों स्कोलियोसिस विकृति को मापता है। नेक्स्ट दोस्तों, रेस्पिरेटरी मांसपेशी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे जो पसलियां होती हैं दोनों, जो बीच में मोटी हड्डी होती है वच की स्टर्नम, दोनों तरफ उससे जुड़ी होती हैं 12-12 पसलियां। और पसलियों के बीच बीच में जो है इंट्राकोस्टल मसल्स होती है, जिसको फैलने या सिकुड़ने से श्वास अंदर और बाहर जाता है। तो दोस्तों रेस्पिरेटरी मसल्स किसे कहेंगे, तो इंट्राकोस्टल मसल्स को कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे गॉराइट नहीं होगा, इंट्राकोस्टल मसल्स तो कहा ही जाता है, बट इंट्राकोस्टल मसल एंड डायफ्राम दोनों आपका राइट होगा, दोनों आपका राइट होगा। क्योंकि जब इंट्राकोस्टल मसल्स जो है सिकुड़ती है तो डायफ्राम जो है नीचे चला जाता है और फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है और बाहर और आयतन बढ़ जाता है यानी फेफड़े के अंदर वायु दाब कम हो जाता है और वायुमंडल में ज्यादा, तो हवा या गैस हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, जिसके कारण बाहर से वायु जो है अंदर फेफड़ों में आने लगता है। जब इंस्पायरेशन होता है यानी कि अंतः श्वसन, उसके बाद जब वायु श्वसन होता है एक्सपायरेशन, उस कंडीशन में डायफ्राम मसल्स जो है वो शिथिल अवस्था में होती है और इंट्राकोस्टल मसल्स शिथिलन अवस्था में होती है और डायफ्राम ऊपर आ जाता है और फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है, जिससे दाब यहाँ पे अधिक हो जाता है फेफड़ों में और बाहर कम, और इसलिए जो वायु होती है वो बाहर की ओर निकलने लगती है। आई होप कि आप समझे होंगे, यहाँ पे इंट्राकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों आपका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर घ आपका राइट होगा, ख ग दोनों। नेक्स्ट है, दम फूलना क्या कहलाता है। तो दोस्तों दम फूलना यानी घुटन होना ये आपका डिस्पेनिया कहा जाता है, डिस्पेनिया। नेक्स्ट है, आराम की स्थिति में अंतः श्वसन व बाह्य श्वसन में ली गई या छोड़ी गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है। तो आराम की स्थिति में जो श्वास अंदर ले रहे हैं छोड़ रहे हैं इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। एंड जब जो पूरे शक्ति से श्वास को अंदर लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एयर, पूरी शक्ति से छोड़ेंगे तो सप्लीमेंट्री एयर, उसके बाद पूरी शक्ति से लेकर पूरी शक्ति से छोड़ रहे हैं, दोनों को मिला करके वायरल कैपेसिटी कहा जाता है। और इस सारी प्रक्रिया के बाद जो वायु हमारे फेफड़ों में बची रह जाती है उसको रेसिडुअल एयर यानी अवशिष्ट वायु कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, किस यंत्र से फेफड़ों की क्षमता मापी जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, गोनियोमीटर से जोड़ों की कोर या लचीलापन मापा जाता है, मैनोमीटर से हमारे ग्रिप यानी स्ट्रेंथ मापा जाता है, हाथों की पकड़ को मापा जाता है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट हाथों की पकड़ यानी ताकत को मापा जाता है मैनोमीटर से, एंड
स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है दोस्तों? स्टेथोस्कोप से हृदय दर, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन मापा जाता है, जबकि स्पाइरोमीटर से आपका फेफड़ों की क्षमता मापा जाता है। स्पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है? फेफड़ों की क्षमता मापा जाता है। नेक्स्ट है अंतःश्वसन के दौरान यानी इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम मांसपेशी की स्थिति कैसी रहती है? दोस्तों जब अंतःश्वसन यानी इंस्पायरेशन श्वास अंदर जाता है तो उस समय डायफ्राम मांसपेशी सिकुड़न की संकुचन की स्थिति में होती है। कैसी स्थिति में रहती है? संकुचन की स्थिति में होती है। तो जो डायफ्राम मांसपेशी संकुचन की स्थिति में होती है यानी कि नीचे चला जाता है। यहाँ पे डायफ्राम मांसपेशी हो चाहे इंट्रोकॉस्टल मसल्स हो, तो इंट्रोकॉस्टल मसल जब सिकुड़ती है तो डायफ्राम भी सिकुड़ती है यानी नीचे चला जाता है, जिससे जो फेफड़ों का आयतन होता है ज़्यादा हो जाता है और फेफड़ों में कम वायु दाब हो जाता है और बाहर उच्च वायु दाब, और हवा या गैस हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है जिसके कारण बाहर से वायु जो है अंदर आने लगती है। और जब इसका जस्ट अपोजिट होगा वायुश्वसन यानी कि एक्सपायरेशन, श्वास छोड़ते समय जो इंटरकॉस्टल मसल्स होगी वो फैलेगी और डायफ्राम मांसपेशी भी फैलेगी यानी कि ऊपर चला जाएगा और जो फेफड़े का आयतन कम हो जाएगा यानी निम्न दाब हो जाएगा और वायु जो है बाहर निकलने लगेगी। नेक्स्ट है किस दाब के कारण फेफड़ों में डिफ्यूजन प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो डिफ्यूजन प्रोसेस यानी गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों के एल्वोलाई में होता है और यह पार्शियल दाब के कारण होता है, पार्शियल दाब के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्न में से गैट प्रशिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों इसमें से क्या है जो गैट प्रशिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है? तो वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल आता है, स्टेप अप स्टेप डाउन भी आता है, सीटिंग डाउन भी आता है गैट प्रशिक्षण के अंतर्गत, बट हैंगिंग ऑन बार नहीं आता है यानी कि बार पर लटकना, हैंगिंग मतलब लटकना, ये नहीं आता है। नेक्स्ट है गैट प्रशिक्षण का प्रयोग किसके लिए होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों गतिशीलता के बढ़ाने के लिए, संतुलन में सुधार करने के लिए, चाल एंड स्पीड को सामान्य बनाए रखने के लिए, इन सभी के लिए गैट प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपकरण गैट प्रशिक्षण के लिए उपयोगी नहीं किया जाता? ठीक है, निम्न में से कौन सा उपकरण गैट प्रशिक्षण के लिए उपयोग नहीं किया जाता? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वाकर का किया जाता है, अक्षीय वैसाखी का किया जाता है, समानांतर बार का किया जाता है, बट हॉरिजॉन्टल बार का नहीं किया जाता। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से गैट प्रशिक्षण का संबंध शरीर के किस अंग से नहीं है? तो आपका टखना, घुटना, पंजा से है बट कोहनी से, एल्बो से नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से मुलायम ऊतकों यानी सॉफ्ट टिश्यू की चोट निम्न में से किससे नहीं है? सॉफ्ट टिश्यू की जो चोट होती है टेंडन, लिगामेंट एंड कॉर्डिनेज से संबंधित चोट जो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहलाती है। तो यहाँ पे टेंडन, कॉर्डिनेज एंड लिगामेंट्स ये सभी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंतर्गत आते हैं बट आपका अस्थि नहीं आता, ये कठोर ऊतक की चोट आती है अस्थि। नेक्स्ट है पुरानी चोटों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, एक्यूट, पोस्ट एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट जो 0 से 24 घंटे के अंदर तुरंत लगने वाली चोट होती है एक्यूट चोट कहलाती है। पोस्ट एक्यूट जो होता है 24 से 48 घंटे की चोट होती है। क्रोनिक जो सबसे पुरानी चोटें होती है 48 घंटे के बाद ज़्यादा की चोटें होती हैं। यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, पुरानी चोटों को क्या कहा जाता है? तो क्रोनिक इंजरी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्प्रेन नामक चोट किससे संबंधित है? स्प्रेन ली, स्प्रेन ली स्टेन मांसपेशी और टेंडन का चोट स्ट्रेन यानी कि खिंचाव कहलाता है। स्प्रेन ली यानी स्प्रेन का चोट जो है लिगामेंट जोड़ों पर होता है, जोड़ों पर दो हड्डियों को जोड़ने वाला स्नायु जिसे लिगामेंट कहते हैं
उसमें आवश्यकता से अधिक खिंचाव आ जाए तो उसे हम स्प्रेन यानी मोच कहते हैं। तो मोच नामक यानी स्प्रेन नामक चोट किससे संबंधित है, तो लिगामेंट से। और टेंडन और मांसपेशी की चोट को क्या कहते हैं, स्ट्रेन यानी खिंचाव, और लिगामेंट की चोट को स्प्रेन यानी मोच कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एपिकोंडिलाइटिस किस चोट को कहा जाता है, तो हमारे जो एल्बो होता है वहां के पास एपिकोंडिलाइटिस टेंडन होता है उसमें चोट आ जाती है, उसी को टेनिस एल्बो कहा जाता है। यानी टेनिस और उस प्रकार के जो गेम होते हैं उसको खेलने से ज्यादा होता है, जैसे टेनिस, बैडमिंटन, ये सब खेलने से ये टेनिस एल्बो चोट ज्यादा लगती है। नेक्स्ट है, विद्युतीय अपघटकों में असंतुलन के कारण कौन सी चोट लगती है, जैसे कि बहुत सारे गर्म वातावरण है, ठंडी वातावरण है, या पर्यावरण में असंतुलन है, आप में विद्युतीय अपघटकों के असंतुलन हो गया, इस प्रकार में चोट कहलाती है क्रैम्प। क्या कहलाती है, क्रैम्प। नेक्स्ट है, डायफ्राम मांसपेशी में क्रैम्प का होना क्या कहलाता है, दोस्तों एकाएक दौड़ रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, अचानक से तीखा दर्द आपके पेट में होता है, स्टोमच में होता है, डायफ्राम मांसपेशी में होता है, उसे हम स्टीच कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीच बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या कंप्रेशन बैंडेज से संबंधित है, तो दोस्तों इसमें टॉनिक जो है बैंडेज वो कंप्रेशन बैंडेज से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस चोट को स्ट्रॉबेरी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप सबको पता है एब्रेजन जो होता है, रबड़ जो लग जाता है छोटे मोटे घिस जाने से या गिर जाने से कठोर भूमि पर, तो उसको स्ट्रॉबेरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मोर्जारियासन में किसकी आकृति बनती है, तो ये प्रकार का आसन है, इसमें दो है बिल्ली जैसी आकृति बनती है। नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो 21 मई 2015 से 15 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहला बार मनाया गया था, तो आसन नंबर को यहाँ पे राइट होगा 2015। नेक्स्ट है, योग की उत्पत्ति को किसकी देन कहा जाता है, दोस्तों आदि गुरु शिव, यानी कि आपका योग की उत्पत्ति शिव की देन कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अष्टांग योग में पंचम अंग क्या है, दोस्तों महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में 8 अंग बताए हैं अष्टांग योग के अंतर्गत, जिसमें एक से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, तो इसमें पांचवा अंग पूछा है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो प्रत्याहार जो है आपका पांचवा अंग है, जिसमें इंद्रियों को बस में करना बताया गया है। नेक्स्ट है, सूर्य नमस्कार में आसनों की कितनी संख्या है, तो आपको पता ही है सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राणायाम में श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, तो आपको कई बार बताया गया है कि प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, पूरक, कुंभक एंड रेचक। पूरक में श्वास अंदर लेना, कुंभक को श्वास रोकना, ठीक है, दो प्रकार के कुंभक होते हैं, अंतः कुंभक और वाह कुंभक, अंदर श्वास रोकना अंतः कुंभक, बाहर श्वास रोकना वाह कुंभक, एंड तीसरा होता है रेचक, यानी श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना, तो प्राणायाम में श्वास को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। क्या कहलाता है, रेचक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से ध्यान आसन कौन सा है, तो दोस्तों सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन, वज्रासन, ये सभी ध्यान आसन है, यहाँ पे सिद्धासन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भोजन के तुरंत बाद किया जाने वाला आसन कौन सा होता है, दोस्तों तो आप सबको पता है वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो भोजन के तुरंत बाद किया जाता है, जिससे जो हमारा भोजन होता है आसानी से उसको पचने में मदद होता है। नेक्स्ट दोस्तों, यम के कितने भाग होते हैं, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग है, 8 अंग है, जिसमें से यम जो है पहला, यम पहला अंग है, और यम को सामाजिक अनुशासन भी कहा जाता है,
और जिसके अंतर्गत पांच जो है भाग माने जाते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उसके बाद होता है नियम, जिसको व्यक्तिगत अनुशासन कहा जाता है। नियम भी आपका पांच भाग उसके भी होते हैं, जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार श्वास लेता है। दोस्तों एक सामान्य वयस्क व्यक्ति 16 से 20 बार श्वास लेता है, लेकिन जब कोई एक्टिविटी या अभ्यास करता है उस कंडीशन में 40 से 50 बार श्वास लेता है, लेकिन जब वो अभ्यस्त हो जाता है, प्रशिक्षित हो जाता है, तो उस कंडीशन में 8 से 10 बार सांस लेता है आराम से। जितना आराम से सांस लिया जाएगा वो उतना ही उसके अंदर सांस शक्ति होगी। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी त्रुटियां होंगी या कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।